क्या होती उतरन। हमारे नए खिलौने और ये भी, ये देखो हमारे दूसरे खिलौने, हमने तो ये खोले नहीं, तुम नहीं थी ना इसलिए। अब तुम आ गई हो, अब तुम खेलोगी ना हमारे साथ? और वो देखो पाक्या, ये भी तो मैं मिस कर रहा था। क्या हुआ अच्छा, तुम हमसे बात क्यों नहीं करती? तुम अभी भी हमसे नाराज हो? अब हम तुम्हें हमारे पुराने कपड़े और खिलौने कभी नहीं देंगे। I'm sorry, अच्छा। बोलो ना अच्छा, कुछ बोलते क्यों नहीं? वो बात नहीं है तपस्या, वो तो मैं कब का भूल गई थी। वो मुझे मेरी दोस्त की याद आ रही है, कुकी की याद आ रही है। अम्मा, इच्छा, अम्मा, बेटा अम्मू क्या हुआ अच्छा को? वो बेबी जी, वो क्या है ना, इच्छा की एक बस्ती में दोस्त है कुकी, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? हाँ, बहुत बुरा एक्सीडेंट था बेबी जी, बस उसी को याद करके रो रही है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए बेबी जी, आपके साथ खेलेगी ना तो ठीक हो जाएगी, है ना इचकी? हाँ हाँ बेबी जी, बहुत देर होगी, आप अपने कमरे में जाइए, बस थोड़ी देर में इच्छा भी आपके साथ आ जाएगी खेलने। इच्छा तू आएगी ना मेरे साथ खेलने के लिए? जरूर उसे भेजूंगी, आप जाइए। हाँ जल्दी आना अच्छा, अब हम चलते हैं। संभल के जाइएगा बेबी जी। इचकी, तुझे ऐसे भाव कर नहीं आना चाहिए था बेटा। लेकिन अम्मा, मैं कुकी की याद आ रही थी, मैं को रोना रहा है। अच्छा, अच्छा बैठ, रोते नहीं, बैठ,
नहीं की, ऐसे नहीं रोते बेटा। अच्छा एक बात बता, तपस्या अभी भी तेरी दोस्त है या नहीं? तुझे कितना प्यार से मिली और कितने प्यार के साथ तुझे अंदर लेकर गई है ना? अब तू ही बता, कोई हमसे इतना प्यार करे, इतना प्यार जताए और हम उसके सामने इस तरह से रोते रहे तो क्या अच्छा लगता है? नहीं ना। तुझे पता है इसकी, जब कोई रोता है ना तो उसे देखकर ऊपर परियां भी रोने लगती हैं। परियां भी रोती हैं? हाँ, दुनिया में हर कोई हंसता है, हर कोई रोता है, लेकिन कभी कभी रोना ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी कभी रोने से आंखें धुल जाती हैं। जरा देखो तो मेरी इज्जकी की आंखें साफ हुई है या नहीं। अरे पापा, कितनी चमक रही है मेरी इज्जकी की आंखें तो, कितनी सुंदर लग रही है मेरी इज्जकी। और मेरी इज्जकी अभी तो और भी सुंदर लगेगी, और भी सुंदर लगेगी, क्योंकि मेरी इज्जकी इतना मुस्कुराएगी, इतना मुस्कुराएगी, है ना? चल बेटा जा, तपस्या बेबी के साथ जाकर खेल, वो तेरा इंतजार कर रही है ना। अरे सुन 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 सुन, कुकी को याद करके आप कभी मत रोना। अम्मो तू भी मत रोना। चल दामिनी, बहुत काम पड़ा है। वापिस आ ही गई कामचो, पता नहीं कब इससे पीछा छुटेगा। लौट के बुद्धू घर को आए। ज्योति बहन, काम में हाथ बटा दूं? ये ले छाछ, माताजी को देखे जा। मेरे लिए छाछ लाना, नमक मत डालना, बिल्कुल नहीं। ए रुक रुक, इधर देख, देख वहां पे गिर रहा है, जा। सुन, लेके जा, ले जा। आज तूने फिर वही गलती की। क्या? दिव्या, अपने गुस्से पर काबू रखना सीख। तुझे समझाया था ना हमने, जोगी के सामने दामिनी को कुछ मत कहना। मौसी जी, जब वो दामिनी आती है ना हमारे सामने तो हमारा खून खौल जाता है। तू अनजाने में अपने पति का अपमान कर रही है और कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी? देख, तुझे दामिनी को जो भी कहना सुनना है वो अकेले में, लेकिन मौसी तपस्या के सामने भी नहीं। अब चल, अनमोल ज्वेलर्स जाना है, वो पुराने कड़े पड़े हैं ना। नहीं नहीं मौसी जी, वो तो इनकी दादी की आखिरी निशानी है। अरे जोगी को कहाँ इतना वक्त कि वो देखे कौन सा गहना कहाँ पर रखा है। जी के लिए भी ना मैंने एक सुंदर सा कुछ सोच रखा। क्या हुआ? क्या हुआ? इन छाछ में नमक डाल दिया। नमक डाल के जान लेगी क्या तू हमारी? ज्योति ने बताया नहीं तुम्हें? नहीं, वो मैं, हे भगवान जी, वो मैं, चुप चुप। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हम धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकाल देंगे, समझी तुम? माफ कीजिए माता जी,
मैं दोबारा छाछ बना कर लाती हूँ। परी दोबारा जान लेगी क्या हमारी? चल जा यहाँ से, जा। और सुन, अब हमारा काम सिर्फ ज्योति करेगी। बैठिए राम, ठीक हो जाएगा। राम, शांत हो जाइए मौसी जी, सब ठीक हो जाएगा। आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा और वो दामिनी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। तू क्या सोचती है, तेरा हुक्म चलता है इस घर में? देखने में कितनी भोली भाली जोड़ी लगती है माँ बेटियों की, पर हैं बहुत चालाक। वो कैसे कूदती फिरती है लड़की सारे घर में, हमारे तो सीने पे सांप लौटते हैं उसे देख के। अब तू क्या सोचती है, क्यों आई है वो इस घर में? हमने ही तो बुलाया है, 5,000 रुपए भी दिए, अब ऐसे तो जाने नहीं देंगे ना। वो नहीं देने वाली पैसे, और तू भी मांगने से रही उससे। तुझे क्या लगता है तेरे बुलाने से आई है वो यहाँ पर? उसे पता है जोगी के सामने तू उसे इस घर से नहीं निकाल सकती, और उसकी बेटी के बिना तेरी बेटी रह नहीं सकती। ये नौकरानी तो सत्यानाश कर देगी इस घर का। तो आप ही बताइए हम क्या करें मौसी जी? अब आप ही कहती है कि इनके सामने हम कुछ ना कहें, और तपस्या का हाल तो आपने देख ही लिया है ना। तू कुछ मत कर, अब हम करेंगे ऐसा इलाज करेंगे इस लड़की का कि इसका भूत भी हमेशा के लिए इस घर से भाग जाएगा। क्या करेंगे आप? एक रास्ता है, ज्योति बता रही थी कि उसकी एक छोटी बहन है लाली, उसे हम यहाँ बुला लेंगे, वो घर का काम भी कर लेगी, और अपनी तपस्या के साथ हिल मिल गई ना तो इस इच्छा से पिंड छूटेगा। नहीं नहीं मौसी जी, ये क्या कह रही हैं आप? एक आई थी उस इच्छा को ले आई, अभी दूसरी इसे ले आएगी? ये कोई अनाथ आश्रम थोड़ी है। आप भी कुछ भी मौसी जी। दिव्या पागल हो गई है क्या तू? लाली को हमें जिंदगी भर थोड़ी यहाँ रखना है। छुट्टियों की तो बात है, फिर तपस्या बेटी का स्कूल खुल जाएगा, तपस्या का मन उसी इच्छा में अटका रहेगा तो अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगी तू। यूं समझ ले, लाली नहीं बाजार से खिलौना ला रही है तू, चलता फिरता जीता जागता खिलौना, जिसके साथ हमारी तपस्या खेलेगी और भूल जाएगी उस इच्छा को। फिर देखना कैसे लोहा लोहे को काटता है। मेरे को ऐसे भाग के नहीं आना चाहिए था, तेरे को बुरा लगा ना? मेरे को माफ कर दे तपस्या प्लीज। Thank you.
मैं बताती हूँ। घुमाता है हाथ पे। हाँ पर ये बच्चू कौन है? मेरा दोस्त। अच्छा अब हम भी इसे करेंगे। मैं सिखाती हूँ। ये हो गया। रुको तो समझी। ये देख इसे ऐसे करके फेंक देना। तपस्या बिटिया को इस लड़की से छुटकारा कब मिलेगा? ये ज्योति की बच्ची भी पता नहीं कहाँ रह गई है। पता नहीं लॉली को लेकर कब आएगी। बाकी तो रामी रखे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे आज मैं आगे जमाना है पीछे। कमाल है रोज तो इस तरह सब्जी काटती है जैसे किसी के टुकड़े कर रही हो। आज क्या बात है भाई? आज हमारी कोयलिया काहे कूक रही है? अरे ज्योति तुझे तो गम के गाने गाने चाहिए। गम के गाने क्योंकि आज तेरी जन्म की दुश्मन वो दामिनी जो हवेली में वापस आ गई है। कोई आए या कोई जाए मेरी बला से मैं क्यों आंसू बहाने लगी किसी के आने से। मुझे बहुत जरूरी काम है। मुझे तो बाहर जाना है। मैं जा रही हूँ। अरे 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 ओ हमार रसोई घर की कोयलिया ये सब्जी तो काट के हमको देती जा। क्यों ये नहीं है इसे बोल ये क्या मेहंदी लगवाने आई है यहाँ पे। ज्योति जी माता जी आई। जी माता जी तू अभी तक यहाँ है? लाली को क्या तेरी नानी लेकर आएगी? जी बस यूं गई और यूं आई। जल्दी जा इस इच्छा को तो तपस्या की जिंदगी से ऐसे निकाल कर बाहर करूंगी जैसे दूध में से मक्खी। बाकी राम ही राखे।